और बता कैसी है? बढ़िया। हाँ मैं ठीक। चल यार बड़ी अच्छे से रखा है घर, क्या बात है। क्या यार तुझे शादी हो गया आजकल बदल गई है? बस कुछ नहीं यार, तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चल ही रहा है यार, वही पेपर आएगा जाएगा बस। और सुना तू कैसे, तेरा कैसे आना हुआ यहाँ पे? वीजा तो करा ले। अच्छा बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है। ऐसी क्या बात हो गई, तू पहले मुंह मीठा कराएगी फिर बताऊंगी भाई। चल दिखाना, ऐसे भी किए जाएगी दावत भी दे ही दूंगी, पहले दिखा। पक्का? पक्का पक्का वाला ना? हाँ पक्का, दिखा भाई। आंख बंद कर ले, तेरा रिपोर्ट है यार पॉजिटिव आया है यार। बहुत लेट हो गई पार्टी, तो मैं तुझसे लूंगी जरूर। चल यार मेरा कोचिंग का टाइम हो गया, बड़ी लेट हो रही हूँ मैं यार। सोचना की पार्टी ना जीजू को भी बोल देना। ठीक है ठीक है, चल बाय। अगर ये वीडियोस मैं उनको दूंगी तो कितने खुश होंगे। क्या हुआ, ये किसका लेटर है? ऊपर से ऑर्डर आया, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैंने अभी बता दिया तो इन कमल तो कमल है जाएगा, जाएगा जाएगा नहीं नहीं। क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं जाऊं? क्या मैं मना करूंगी तो आप रुक जाओगे? और हाँ वैसे भी एक फौजी का ही फर्ज नहीं होता अपने देश के प्रति रक्षा करने का, उसकी पत्नी का भी इतना ही फर्ज है कि वो अपने पति को हंसी खुशी विदा करे। ताकि एक फौजी अपने देश की सेवा दिल से करे। इसमें तो मीठा काम है। अब ठीक, ये ने तेरे लिए देसी की कलर बुलाई थी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तुझे पता है यार मैं कुछ बनाती नहीं। कितना ख्याल रखती है तू मेरा, जो है मेरी। और कब आ रहा है तेरा राजा? आया था उनका लेटर, 28 तारीख को आ रहे हैं। चल ठीक है यार, दिन निकल जाएगी, टेंशन मत ले। आ तू भी फिर। ना यार मेरे काम है बहुत सारे, ऐसे भी मुझे कहीं जा कोचिंग में जाना है ना। चल ठीक है। और मैडम क्या बात है? कुछ नहीं यार, कपड़ा भी तय करते थे यार। तो ये देख मेरे हाथ पे क्या है, किसका लेटर है? किसका? किसी रजत नाम का पोस्ट मास्टर ले आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही दे दूँ।
चल अब तेरा नहीं है तो मैं ही रख लेती हूँ ना। चल दे ला यार। ले रख ले भाई, तेरी है यार, तुम दोनों को बीच में नहीं आऊंगी मैं। अब जा भी यहीं पे बैठी रहेगी। चल यार, वैसे भी मैं रजत और कजल के बीच में नहीं आने चाहती, ठीक है? चल बाय बाय, ख्याल रखना अपना। ठीक है। आज मुझे गैर हुए 5 महीने हो गए और मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा दिन कैसे कटता है, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद करता हूँ। जब वो आएंगे ना कुछ ऐसे ही रिएक्शन होगा उनका। काजल, हाय काजल। हाय सिमरन, तू? और तूने क्या सोचा तेरा रजत आ गया? रजत नहीं, रजत का लेटर आया है। आ बैठ। हमें बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे जवान रजत रावत जंग में शहीद हो गए। कदर, तुझे कुछ नहीं बोल। कदर, है रहा एम्बुलेंस? इट्स इमरजेंसी, प्लीज। अरे काजल। हाँ, क्या कर रही है? मैं ठीक हूँ, बता। कुछ नहीं, मैं। अरे बाबू आ जाओ। इतनी बड़ी हो गई ना। हाँ यार, बस ये तो राजा के जैसा देख रही हूँ। और सब बढ़िया? मतलब नहीं बेटा, इधर आ जाओ। देख काजल, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ। देख बच्ची बड़ी हो रही है, इसे अपने पिता का साया की जरूरत है। कल बड़ी होगी ये तुझसे सवाल करेगी कि मेरे पापा कहाँ, तब तू क्या जवाब देगी ये बता। कौन कहता है? इसके सर से इसके पापा का साया चला गया, और रहते हैं ना हमारे साथ हमेशा, हमारे दिल में। खुश हो अगर हंस के बिछड़ जाऊं।